अब सब कुछ साफ है। लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए की आखिर जीत हो ही गई। एक बार फिर और दूसरी बार ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बन चुके हैं। ओम बिरला के लोकसभा स्पीकर बन जाने के बाद सांसदों की तरफ से उनको जमकर बधाइयां मिली। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष के सांसद सब ने ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। हालांकि विपक्ष की तरफ से ओम बिरला को हल्के फुल्के अंदाज में कटाक्ष भी किए गए। पहले अखिलेश यादव ने तो अब AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ओम बिरला को बधाई देने के साथ शब्दों के हल्के तीर चलाए। लोकसभा की कुर्सी पर बैठे नए स्पीकर बिरला को ओवैसी ने सदन का सुरक्षा करने वाला बताया। साथ ही उनसे आग्रह किया कि वो ओवैसी की पार्टी जैसी छोटी पार्टियों को भी अपनी बात कहने का बराबर मौका दें। इसके साथ ही ओवैसी ने डिप्टी स्पीकर के मुद्दे को भी उठा डाला। इतना ही नहीं, सांसद ओवैसी ने तो इशारों ही इशारों में यहाँ तक कह दिया कि इस बार का संसद पिछली बार की तरह नहीं है, इस बार सदन का चरित्र पूरी तरह से बदला हुआ है। सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूँ और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहां अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मजारा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज उठाने की आवाज दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो यह ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आपके बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है, अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। तो सुना आपने, लोकसभा के नए स्पीकर ओम बिरला को ओवैसी ने हल्के फुल्के अंदाज में ये तो बता दिया कि इस बार सदन की कार्यवाही में केवल और केवल बीजेपी की नहीं चलने वाली। तो क्या ओवैसी की ये बातें सुनकर ऐसा नहीं लग रहा कि अब सदन में बीजेपी के लिए सब कुछ आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि इस बार विपक्ष की ताकत सदन में पहले की अपेक्षा मजबूत हुई है, जिसका एक उदाहरण तो स्पीकर के चुनाव के वक्त ही दिख गया। इस बार स्पीकर का पद आसानी से एनडीए की झोली में नहीं गया। तो क्या ये उम्मीद की जाए कि इस बार का हर लोकसभा का सत्र बेहद ही गंभीर होने वाला है और जनता की ज्यादा से ज्यादा आवाज उठाई जाएगी? ये सवाल जितना बड़ा है, इसका रिजल्ट देखना उतना ही दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।